इस फोन में जो है नकली कूलिंग पैड लगाया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं है यार, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है ठीक ठाक सी है, इसके अलावा जो है मीडियाटेक का चिपसेट जो है बेकार होता है और ये फोन बहुत ज्यादा हीट होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों व्यूअर्स में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे कि यार हमने जो है आपके बहुत सारे कमेंट जो है पिक कर लिए हैं और आपको बता देते हैं कि यार आपके इस फोन में जो है क्या क्या बेस्ट है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडमी नोट 8 प्रो को लेकर जो है हमने पिक किए हैं और आंसर देने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक करना, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी और कमेंट है, मतलब और भी कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा ये रिप्लाई करने की। लेकिन यार ऐसे नहीं कि आप कमेंट करो और आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं यार इंस्टेंट रिप्लाई करो, अरे यार थोड़ा बहुत हमको भी काम होता है यार। तो आप 24 घंटे का वेट करना, जरूर से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस देखते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय, इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। बात करते हैं रेडमी नोट 8 प्रो के आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर की, कि मैंने इस फोन में जो है क्या फील किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो कूलिंग पैड लगाया गया है वो नकली सा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो खैर मुझे ऐसा नहीं लगा पर्सनली। अगर मैंने जो है इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट। हमने ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर 5 घंटे गेम प्ले किया, जिसके अंदर 5 घंटे गेम प्ले करने के बाद में मुझे लगता है कि टेम्परेचर 48 समथिंग होना ही चाहिए, लेकिन इस फोन का जो टेम्परेचर रहा था वो ऑलमोस्ट 43-44 डिग्री रहा था। हमने वहां पे हीटिंग टेस्ट भी किया है, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देखना, जिससे कि आप जो है बेफिक्र हो जाओगे कि यार इसमें नकली कूलिंग पैड है या फिर थोड़ा बहुत तो काम करता ही है यार वो। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार 15,000 रुपये हम पे तो कर रहे हैं, फोन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है IPS स्क्रीन। हालांकि आपको बता दूं, मैंने कंपेरिजन किया है रियलमी XT के साथ में, मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस इस फोन में नहीं दिखा, क्योंकि यार यहाँ पे जो पता नहीं क्या ऐसा किया है, यहाँ पे Xiaomi ने MIUI वर्जन के साथ में कलर को इंक्रीज किए हैं, जो IPS डिस्प्ले है वो भी जो है काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मुझे, मतलब जो कलर जो शेड होते हैं उनको काफ़ी इंक्रीज करने की कोशिश की है Redmi Note 8 Pro के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फोन के डिजाइन की। देखो यार फोन का डिजाइन तो काफी प्यारा है, आप देख ही चुके हैं फोन के बैक साइड और फ्रंट साइड से, लेकिन उसमें डिजाइन के अंदर क्वेश्चन ये है कि कॉर्नर से ये राउंडेड है या फिर जो है यहां पर स्ट्रेट है, मतलब जो है चौकोर सा बना हुआ है या फिर जो है कॉर्नर जो है इसके राउंडेड है। तो बता दूं इसके जो है कॉर्नर राउंडेड नहीं है, मतलब ऐसे चौकोर सा फोन बना हुआ है, राउंडेड इसके नहीं है कॉर्नर्स। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने जो है इसको पिक कर लिया है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए पिक किया है। अब बात करते हैं फोन के यहां पे परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि फोन का जो वेट है, बोलते हैं कि क्या इसका वेट ज्यादा है, मैं बता दूं इसका वेट जो है ज्यादा नहीं है, मतलब 4500 mAh की बैटरी है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है फ्रंट और बैक दोनों साइड में भी, मतलब जो है इतना लाइट वेट भी नहीं बोल सकते इस फोन को, इतना हैवी भी नहीं बोल सकता, एक ठीक ठाक सा फोन है, अच्छा फोन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी को लेके, बोलते हैं क्या ये फोन जो है प्रोटेक्शन के लिए सेफ है, तो बता दूं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों साइड में यूज किया गया है। गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज होने के बाद में ऐसा नहीं होता कि यार फोन गिरते ही टूट जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि फोन गिरते ही टूटे ही नहीं, वो डिपेंड करता है यार किस तरीके से गिरा है फोन, और जहां पे फोन गिरा है वहां पे क्या प्लेन है या फिर जो है कुछ यहां पे अंदर रखा हुआ है नीचे, किस अकॉर्डिंग फोन गिरता है उस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर नॉर्मल गिरता है तो प्रोटेक्शन आपको मिलता है बिल्कुल, और यहां पर अगर बात करते हैं स्क्रेचेस की, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार आपको जो है ग्लास गार्ड तो आपको यूज करना ही चाहिए, टेम्पर्ड ग्लास जिसको बोलते हैं, नहीं तो फिर आपके फोन पे जो है स्क्रेचेस आ जाते हैं, तो फिर वो फील नहीं आता गेम वगैरह प्ले करने में, क्योंकि फिर वो स्क्रेचेस पे अटकता है ना फोन, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत सी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके चिपसेट को लेके, बोलते हैं कि मीडियाटेक का चिपसेट जो है बेकार होता है, लेकिन इस फोन के अंदर क्यों दिया है फिर मीडियाटेक का चिपसेट। बता दूं मीडियाटेक का चिपसेट जो है बेकार नहीं होता है, मीडियाटेक का चिपसेट जो है मतलब लोअर प्राइस सेगमेंट में ज्यादा आता है, स्नैपड्रैगन का चिपसेट जो है हायर प्राइस सेगमेंट में आता है, लेकिन मीडियाटेक ने यहां पे काफी अच्छा काम किया है हेलियो G90T को लेके, जिसका परफॉर्मेंस रियली में काफी अच्छा है। अगर वो फोन हीट होता है, मतलब चिपसेट थोड़ा सा फोन को हीट करता है, तो कूलिंग पैड इसलिए दिया हुआ है उसको यहां पे जो है
ठंडा रखने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, ये जो चिपसेट है हेलियो G90T, अगर ये 15,000 रुपए की प्राइस में आ रहा है ना, तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। मतलब ये काफ़ी शानदार सा है। गेमिंग मैंने प्ले किया इसके अंदर, गेम में मुझे 1% भी दिक्कत नहीं आई, कोई लैगिंग इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं तो आप HDR के अंदर इस फोन के अंदर प्ले नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत से मुझे देखने को लगी है। नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के लेके, कि यार यहाँ पे इस फोन की बैटरी जो है 4500mAh की बैटरी है, डिस्प्ले है IPS स्क्रीन, कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाती है। हालांकि आपको बता दूं, हमने जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप जो है देख लेना इस वीडियो के बाद में। लेकिन आपको बता दूं, जो इसका बैटरी परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 8 घंटे का ही परफॉर्मेंस दे पाता है। इसके फोन की बैटरी से थोड़ा सा मैं नाराज हूं यार। मतलब यार 8 घंटे का बैटरी परफॉर्मेंस देता है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में जो फोन आते हैं रियलमी X3, सैमसंग गैलेक्सी M30S, कंपेरिजन इस फोन से काफी अच्छा बैकअप देते हैं। ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है रियलमी X3 के अंदर कंपेरिजन इस फोन से, और M30S के अंदर जो है ऑलमोस्ट 4 घंटे का परफॉर्मेंस का फर्क मिलता है इस फोन के कंपेरिजन में। तो इसलिए जो है बैटरी से थोड़ा सा नाराज हूं, लेकिन यार इस फोन के अकॉर्डिंग पूरा जो सेटअप है इस प्राइस अकॉर्डिंग, ये फोन जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने लायक है बैटरी के अकॉर्डिंग। साथ में बात करते हैं इस फोन के चार्जिंग टेस्ट को लेके, जो 18W का चार्जर है इसके फोन के बॉक्स के अंदर ही आता है, जिसके अगर चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें, मतलब कितनी देर में ये फोन चार्ज करता है अपनी बैटरी को, ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे लेता ही है ये फोन चार्ज करने में। मतलब अगर आपको 0% to 100% चार्ज करें अपने फोन को, तो 2 घंटे छोड़ना पड़ेगा, कहीं घूम के आना पड़ेगा 2 घंटे, उसके बाद में आप जो है इस फोन को यूज कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन लाइट को लेकर, बता दूं यहां पे जो है नोटिफिकेशन लाइट आपको जो है देखने को मिल जाती है, सिंगल लाइट है। अगर आप यहां पे चार्ज करते हैं तो आपको जो है चार्जिंग भी इंडिकेट करता है कि चार्ज हो रहा है फोन, कोई नोटिफिकेशन आता है तो भी आपको जो है अलर्ट ही करता है। मतलब यार इस प्राइस सेगमेंट वाले फोन, मतलब अभी भी जो है वाटर ड्रॉप नॉच वाले फोन में किसी के अंदर भी जो है नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है, ये काफी अच्छा फोन है जिसके अंदर जो है नोटिफिकेशन लाइट आपको जो है देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कैमरे को लेके, जो कि है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि है Xiaomi का पहला फोन। यहां पर बता दूं ये सेंसर यूज किया गया है, वो है ZW1 सेंसर। यहां पे क्या यूज किया गया है, मतलब सेंसर में ऐसा क्या यूज किया गया जो इसकी क्वालिटी अच्छी है? तो अच्छी है क्वालिटी 64 मेगापिक्सल के साथ में, इसको आप इजीली जो है रियलमी X3 के कैमरे के साथ में कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन बताते हैं Xiaomi वाले कि डार्क लाइट में जो है काफी बेटर कैप्चर करता है इमेजेस, कंपेयर आप किसी भी फोन से कर सकते हो। तो यहां पे मैंने जो है टेस्ट भी किए हैं इमेजेस, एक अच्छी सी क्वालिटी देखने को मिल जाती है डार्क नाइट के अंदर भी। अब जाते जाते लास्ट में 2 क्वेश्चन और है, रियलमी X3 से कंपेयर करते हैं तो रियलमी X3 बेटर है या फिर जो है रेडमी का नोट 8 प्रो बेटर है? देखो, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको चाहिए, मतलब सब कुछ हो, तो यहां पे Redmi Note 8 Pro जो है बेटर है। अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, तो यार बता दो Realme X3 बेटर है। तो यार देखो यार, यहाँ पे थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज चलती रहती है यार। देखो, कुछ चीजें उसमें बेटर है, कुछ चीजें इसमें बेटर है। फिजिकल फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हालांकि बता दो कि फिंगरप्रिंट फिजिकल वाला काफी कंफर्टेबल होता है कंपैरिजन ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जो फोन यूज करता हूं, जो कि उसके अंदर जो है फिजिकल फिंगरप्रिंट है। अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूं तो फोन को पॉकेट से निकालते हैं तो ऑन स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट में आप जो है डायरेक्ट क्लिक करो, आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो बस यार यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन और है, इस रियलमी 5 प्रो बेटर है या फिर जो है रेडमी नोट 8 प्रो बेटर है? तो बता दूं, अगर आप जो है रियलमी 5 प्रो से कंपेयर करते हो तो मच बेटर है रेडमी नोट 8 प्रो। तो वहां पे तो आप बिना आंख बंद किए, बिना आंख खोले जो है रेडमी नोट 8 की तरफ जा सकते हो, अगर आप रियलमी 5 प्रो से कंपेयर करते हो। रियलमी X3 से कंपेयर करते हो तो मैंने जो है इससे पहले एक आंसर दे चुका हूं। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी जो है कोई क्वेश्चन आपके बच गए हो, आपके माइंड में चल रहे हो, तो कमेंट करके जरूर से बता देना। तो यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ में, लेडीज साथ में, और कमेंट करके जरूर से बता देना कि आपके क्या मानना इस Redmi Note 8 Pro के बारे में। क्या आपने आज की फ्लैश सेल में परचेज किया जो कि 21st को थी? तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।